हे गाइस, मेरा नाम है चुकी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सेइंग गेमर्स। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑफ रोडिंग। और गाइस, मैंने कुछ वीडियो में देखा था कि मेरे साथ आए हुए थे, मतलब यहाँ ऑफ रोडिंग करने आए हुए थे माइकल और ट्रेवर, तो इसी कारण से फ्रैंकलिन भी आ चुका है वीडियो देख के। तो गाइस, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जा के आए वाले बटन पर क्लिक कर दो और वहाँ पर जाके देख लो। गाइज, अगर फ्रैंकलिन ने देख लिया तो आप भी देख सकते हो, जाके आए वाले बटन पर क्लिक करो, आपको दिख जाएंगी दोनों वीडियो। तो गाइज, ये तो था हमारा कुछ वीडियो के बारे में। और आपने अगर थंबनेल में देख ली कि कौन सी कार है, तो गाइज डैम यार, सबकी फेवरेट कार है, मतलब 2019 में से अभी तक वो तहलका मचाते हुए आ रही है। और आपको पता है कि कौन सी कार है, तो फटाफट नीचे कमेंट करो कि कौन सी है गाड़ी वो। और गाइस, वीडियो को बिगर किसी टाइम वेस्ट के मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी कार है। तो गाइस, ये रही वो कार, फोर्ड एंडोवर, देख लो गाइस, ये पूरी सही मॉडल है, इंडिया से मैंने भी इंपोर्ट करवाई है, ठीक है, जैसे कि फ्रैंक, ये ट्रेवर और माइकल ने करवाई। तो गाइस, मेरी बताओ कटिंग कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी कटिंग जो है बहुत अच्छी लगी है। तो गाइस, मैं अभी यहाँ से ला रहा था गाड़ी तो कीचड़ में हो गई है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और गाइस, बादल तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हालत। तो गाइस, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर चलते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। तो गाइस, मैंने चाय वाय तो पी ली है, पर देखा तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, पर अब इतनी दूर आए हैं तो गाइस ऑफ रोडिंग तो करके जाना बनता ही है। तो और मैंने आपको इंटीरियर नहीं दिखाया होगा, तो गाइस ये देख लो आप इंटीरियर, ये देखो पूरा फोर्ड का बढ़िया सा प्रदर्शित करा हुआ कार्य है। ये सीट से वेल गाइस, ये मुझे पड़ी है कुछ 40 लाख में यहाँ पे। वेल, इसमें कुछ कस्टम ड्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि ये फर्स्ट हैंड गाड़ी है और मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन है और अच्छी गाड़ियों में आती है, तो ज़्यादा चार्जेस नहीं लगा। बाकी ड्राइवर को तो अच्छा लूट लिया गया है। गाइस, आपने देखा हो तो मेरे हाथों में एक घड़ी है, देख लो, ये देखो, दिखी कि नहीं दिखी। हाँ गाइस, तो वेल, मौसम तो हो रहा है ख़राब, पर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने सुना माइकल और ट्रेवर ने भी यहाँ पे से जब स्टार्ट कर रहे थे तब उन्होंने इंडियन, मतलब जब इंडियन लोग कुछ भी ऐसा मतलब डेंजरस चीज़ में करते हैं तो वो बोलते हैं जय श्री माता, जय माता दी। तो गाइस, मैं भी यही बोलूँगा, जय माता दी एंड जय श्री राम। तो गाइस, चलते हैं हम फटाफट से ऑफ रोडिंग करने के लिए। गाइस, यहाँ पे तो अभी बहुत टायर जो स्लिप कर रहे हैं, मेरे को बस डर इसी बात का है कि यहाँ पे ना ये पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स आते रहते, थंडर स्टॉर्म्स नहीं आ जाए। तो गाइस, चलो उतारते हैं यहाँ पे फटाफट जो हमारी ऑफ रोडिंग है उसका पहला पार्ट। तो गाइस, बड़ी आसानी से हमारी गाड़ी ने उतार लिया है यहाँ पे, पर गाइस ये पानी में फंस चुकी है। तो गाइस, यहाँ से उतारने के बाद तो टायर तो खतरनाक ही वाले स्लिप हो रहे हैं। गाइस, मुझे लगता है कि आगे वाला जो पॉइंट है वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ब्रेक, क्योंकि टायर की मतलब इसमें अभी वो वाला मोड नहीं है, रेन मोड। तो गाइस, यहीं पे शायद गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी मुझे। तो गाइस, वेल, जब तक रुके तो रहेंगे नहीं, हम आगे अपनी गाड़ी ले जाते ही रहेंगे। तो गाइस, चलना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी हमें वहाँ तक जाना है, यहाँ से निकालना पड़ेगा, भले ही टायर स्लिप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो गाइस, फटाफट से मैं निकालता हूँ अपनी फोर्ड एंडोवर। गाइस, बाकी हमारे लक तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हम जैसे ही आए वैसे ही बारिश हो गई और रेन मोड भी नहीं है हमारी गाड़ी में, जैसे कि आपको मैंने बताया। गाइस, फटाफट निकालता हूँ मैं इस पहले वाले पड़ाव से पार। गाइस, चलो निकल गई है अब मुझे, अरे यार वापस से आगे पीछे, चलो गाइस मुझे निकालना पड़ेगा अब, इस बार ताकत लगा के इंजन, 3 2 1 गो। फिर से नहीं निकली, अब मैं साइड में लेता हूँ। हाँ चलो अब चलते हैं, अरे अरे पानी में नहीं चल जाए बस, तो चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। और गाइस, फाइनली मैंने यहाँ से निकाल ली है, अब थोड़ी देर वेट करता हूँ ताकि जब तक पानी है वो कम हो जाए। तो गाइस, थोड़ी देर के बाद तो ये हार्श हो गया है कि मतलब गाड़ी तो ठीक ही ठीक, बाकी अब बिजलियाँ भी गिरने लग गई, तो मैंने बोला अब छोड़ो, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं हम किसी का, हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से फटाफट निकलना ही पड़ेगा। और हमने जो मतलब जो यहाँ के मेकर हैं उनसे भी हमने पूछा, तो भी खुद यही बोल रहे हैं कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाओ। गाइस, काफ़ी आसानी से निकल जा रही है हमारी फोर्ड एंडोवर।
बस यहाँ पे शायद रेन मोड ऑन हो गया है, जैसे कि वहाँ पे हो नहीं पा रहा था हमसे, पर यहाँ पे शायद रेन मोड ऑन हो चुका है। गाइस निकालते हैं हम अच्छे जोर से। हाँ, निकल गए निकल गए, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। गाइस शायद यहाँ पे हमें लगाना पड़े, पहले करना पड़ेगा बैग, फिर लगाएंगे हम हमारा हनुमान गियर, और ये निकल गई। चलो गाइस गाइस, लेकिन टायर इतने स्लिप हो रहे हैं ना, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा ही मिट्टी गीली हो गई है। गाइस चलते हैं फटाफट। गाइस मेरे ख्याल से हमें ब्रेक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चलो गाइस, जब तक ये फ्रैंकलिन ब्रेक लेगा, तब तक आप वीडियो को फटाफट जाके लाइक कर दो, ठीक है, ताकि हम ऐसे नई नई वीडियो लाते रहें। और आप अगर चैनल पे नए हो तो पता ही होगा क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है, जो लाल वाला बटन है ना उसको कर दो ग्रे बटन, ताकि वो भी स्लिप होके ग्रे हो जाए कीचड़ जैसा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से निकालते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे रुक जाते हैं। चलो गाइस यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर और वेट करते हैं मौसम सही होने का, क्योंकि आगे अब शायद मुझे फ़ोन पे मैसेज भी कर दिया है उन्होंने, ये देख लो आप, ये देखो ये मैसेज कर दिया है उन लोगों ने कि यार आप आगे मत जाओ आगे मत जाओ, पर फिर भी मैं ले आया था। खैर कोई बात नहीं, ये तो मेरी चैट थी, ये देखो मेल में भी आया है, ये सर्विसेज में, ये देखो सर्विसेज में आया है। खैर मैं तो बैक करता हूँ, अब रुकते हैं थोड़ी देर। तो गाइस थोड़ी देर रुकने के बाद हो गया है थोड़ा सा मौसम क्लियर और धूप हल्की हल्की आ चुकी है, तो लगाते हैं हम हमारा हनुमान गियर और निकालते हैं यहाँ से। गाइस ये तो बड़े ही आसानी से जो माइकल की फॉर्चुनर थी उसने भी कर ही लिया था। गाइस हमारी जो फोर्ड एंडोवर है उसने भी कर ही लिया है, बस ये गीली गीली है थोड़ी सी, मतलब जो ज़मीन उस कारण से थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम दे रही है। खैर अब तो गियर बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहे हैं। मतलब गाइस ये तो मतलब दुनिया की टफेस्ट ऑफ रोडिंग में आता है ये वाली जगह। तो गाइस यहाँ पे बंदे भी नहीं है, चलो हम यहाँ बुला लेते हैं थोड़े से डेंट फ्रेंड से, वो ठीक करवा लेते हैं। गाइस मैंने डेंट वगैरह सब ठीक करवा लिए, डेंट्स जितने भी लगे थे, पर एक दो रह चुके, नहीं ये इसकी बॉडी की शेप ही ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम हमारी आगे ऑफ रोडिंग में। तो गाइस कितनी अच्छी लग रही है हमारी पैनोरमिक्स सनरूफ, और यहाँ पे कोई बंदा बंदा होता या बंदी होती तो सीन ही अलग होता, पर क्या करे यार, तुम्हारा भाई सिंगल ही है, फ्रैंकलिन भी और मैं भी, और माइकल ही है बस मिंगल, ट्रेवर भी ऑलमोस्ट सिंगल ही है, सिंगल की परिभाषा में आता तो नहीं है पर फिर भी वो सिंगल है, ठीक है। चलो चलते हैं हम अभी ऑफ रोडिंग पर ध्यान देते हैं, तो हम भटक जाएंगे तो ऑफ रोडिंग भी भटक जाएगी। तो वेल गाइस टायर तो खतरनाक वाले स्लिप कर रहे हैं, तो गाइस स्लिप का हम फ़ायदा उठा के निकालते हैं गाड़ी फटाफट फटाफट फटाफट। तो गाइस फोर व्हील ने अपना कमाल दिखा दिया है, अब मुझे तो नहीं लगता कि पानी में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी गाड़ी। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितना है पानी आगे, तो गाइस मतलब बहुत ही ज़्यादा है, स्विम नहीं करना पड़ रहा है मुझे। तो गाइस एक तो पानी भी गिर रहा है ना खतरनाक वाला। तो गाइस मेरे ख्याल से निकल जाएगी यहाँ से, तो इतना ज़्यादा पानी नहीं, खैर। और फिर भी गाइस हमारी गाड़ी जो है आज पता नहीं उसमें रेन मोड काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं सर्विस सेंटर में ले जाऊंगा। गाइस होता क्या है, जब हम इंडिया से कार मंगवाते हैं ना, तो उसमें जब कस्टम होती है, जब ये जो हैंडल्स हैं ये टर्न होते हैं, तब ना दिक्कत ये आती है कि वो लोग पूरी ना मतलब जो मैकेनिज़म रहता है ना वो ख़राब कर देते हैं। गाइस मैं बैठता हूँ अंदर फटाफट। तो गाइस मौसम थोड़ा बहुत सही हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया मौसम सही, तो चलते हैं फटाफट से लेकर अपनी फॉर्चुनर की बहन या भाई बोल लो, जो भी बोलना आपके ऊपर है, जो भी बोलते हो कमेंट कर दो ताकि हम भी उसको वही बुला सके, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं फटाफट। गाइस अभी भी आप देख रहे होगे यहाँ पे जो ज़मीन है वो अभी भी स्लिपरी हो रखी है, ये देखो। पहले यहाँ पे मैंने सुना है कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन, ये ट्रेवर और माइकल दोनों ही यहाँ पे अटक गए थे, आई होप कि हम ना अटक जाए। गाइस निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, बैक लेना पड़ेगा रिवर्स गियर में। ओ यहाँ पे रिवर्स नहीं लेना चाहिए आई थिंक, तो गाइस बैक पूरा ही ले लेते हैं और स्पीड में ले जाते हैं। चलो 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 चल गई चल गई। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है,
तो गाइस मैं यहाँ पे उतर के आपको सीन बता दूँ, माइकल और ट्रेवर तो जो है ना वो बहुत जल्दी में रहते हैं तो आपको पूरा अच्छे से बता नहीं पाते, वेल मैं बताऊँगा पूरा आपको। तो गाइस देखो हमारी गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, बस मैं डर यही है कि अगर मैं गिर गया ना तो सच्ची में मैं हॉस्पिटल में मिलूँगा, यहाँ पर कम्प्लीट नहीं कर पाऊँगा बल्कि हॉस्पिटल में दिखूँगा कि यार मेरी गाड़ी के साथ मैं गिर गया नीचे। तो गाइस चलो बाकी तो बातें चलती रहेगी, अब मैं बैठता हूँ अंदर फटाफट। तो गाइस चलते हैं हम फटाफट से अब और लेते हैं प्यारा सा सुंदर सा कट। तो गाइस अब शायद रोड सूख चुकी है थोड़ी थोड़ी, वेल पूरी सूख जाती तो क्या ही जाता है इसका। गाइस लेते हैं हम यहाँ से टर्न, वेल यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे हमारे ट्रेवर भाई साहब तो बिल्कुल नीचे ही चले गए थे और माइकल भैया तो मतलब कि अच्छे से उन्होंने पार कर ही लिया था, उनकी फॉर्चुनर थी क्योंकि भाई, और फॉर्चुनर तो गाइस मतलब कि बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। वेल हमारी एंडेवर चली गई है पानी में, उसको निकलवाना पड़ेगा टेक्निकली, हम तो नहीं निकाल पाएंगे, हो गई है जाम गाड़ी। ये देख लो आप, एक मैं पानी बात कर रहा हूँ, मिलता हूँ मैं आपको ऊपर। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ ऊपर। तो गाइस मुझे तो मतलब ऐसा मतलब प्राणी निकल गए थे मेरे अंदर, वहाँ पे पूरी गाड़ी पानी में डूब गई थी। टेक्नीशियन आए तो वो बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहे थे आप पानी में, उतरे क्यों नहीं गाड़ी से। तो आज मैंने बोला कि यार मेरे को गाड़ी जो है अपनी जान से मतलब प्यारी है, इतनी नहीं है पर है गाड़ी प्यारी। तो वेल वापस से आ चुका है पानी, पानी भाई साहब हट जाओ, भाई साहब हट जाओ, ड्राइवर ने तो उड़ा ही दिया था, मैं तो उड़ा ही दूंगा, चलो नहीं उड़ाया। गाइस पानी में से गाड़ी ऐसे आई है जैसे शार्क नहीं आती, मतलब जैसे पानी में शार्क कैसे निकलती एकदम से, एकदम एक सिनेमैटिक व्यू में नहीं, वैसे ही आई है हमारी एंडओवर। गाइस यहाँ से निकालते हैं नीचे। गाइस मेरे सस्पेंशन मैंने देखा भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही गाइस बस मेरे सस्पेंशन काम करते रहे, मेरे जो 35-40 लाख रुपए लगाए वो बस डूबे ना मेरे। गाइस चलो 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 निकल गई निकल गई, ओ ओके ओके ओके, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, और गाइस निकल चुकी। मुझे पता है वो ऊपर से गिरी थी लेकिन गाइस प्लस पॉइंट देखो, हमारी गाड़ी जो है बहुत ही आसानी से निकल चुकी, क्योंकि गाइस ये जो आप रैम देख रहे हो ना इतना आसान नहीं है उन पत्थरों के बीच में से लाना। वेल गाइस गाड़ी की तो हालत हो गई है कचरा, तो मैं बुलाता हूँ फटाफट टेक्नीशियंस को। तो भाई मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तू बार बार टेक्नीशियंस को क्यों बुला लेता है, तो गाइज मुझे टेक्नीशियंस को बुलाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि गाइज मुझे अपनी गाड़ी ना ख़राब देखना अच्छा नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता इसलिए। वेल बाकी बातें तो होती रहेंगी, अब चलता हूँ मैं फटाफट से ऑफ रोडिंग की एंड की तरफ। वेल मुझे जाने की जल्दी नहीं है पर फिर भी कि अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो हमारे जो एडिटर महाशय हैं वो काटते हैं वीडियो, ठीक है। गाइस चलो चलो चलो, ओ कोई बात नहीं। तो गाइस चलना पड़ेगा हमें सीधी चढ़ान पे। गाइस मैंने सुना कि माइकल दादा जो है अगली वीडियो में अपनी ऑडी लेके आ रहे हैं, ऑडी Q3, उनका तो मतलब ना अच्छा लेवल का गैराज है। मुझे तो पहले सेल करना पड़ेगी ये वाली गाड़ी, फिर मैं ला पाऊँगा ऑडी वगैरह। तो वेल कोई बायर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं खरीद मतलब मैं बेच दूंगा उसको, कुछ हुआ तो नहीं, थैंक गॉड गाइस मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। तो वेल यहाँ से निकालते हैं, मतलब यहाँ से तो इतनी आसानी से निकलती ना, जैसे बच्चे ऐसे छलांग नहीं लगाते एक दूसरे के ऊपर से, वैसे ही गाइस हाँ हाँ इट इज़ स्ट्रेंज बट हाँ वैसे ही निकली है। गाइस लेते हैं हम यहाँ से, गाइस ट्रेवर के तो प्राणी निकल गए थे यहाँ से उसके स्कॉर्पियो को निकालने में, नहीं देखा वो वाला वीडियो, तो गाइस फटाफट आए पे जाओ और देखो उसके मतलब प्राण निकल गए थे यहाँ से निकालने में। तो गाइस डेंट को लेकर साथ हम आ चुके हैं फिनिश के पास। तो गाइस यहाँ पे वीडियो का एंड नहीं होता है, यहाँ पे होता है ऑफ रोडिंग का एंड। तो गाइस ये देख लो हमारी फोर्ड एंडोवर कितनी ही खतरनाक प्रदर्शन करा है उसने, मतलब एक फोर्ड वाली गाड़ी की फीलिंग ला दी उसने पूरी जगह में। देख लो ये, देखो ये हुक्म है, मुझे काम तो कुछ नहीं आया पर ठीक है, कस्टम वालों ने मतलब इंडिया से मंगवाया था तो मैंने रहने दिया। तो गाइस इसके साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है पता है ना, वीडियो को करना है लाइक
और अगर आपको अगली कोई सी कार मंगवानी या मुझसे सीखना है कि कैसे मैं ये सब कार इंस्टॉल करता हूँ, इंडिया से इंपोर्ट करवाता हूँ, तो फटाफट जाके कमेंट में बता दो और सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू। फाइनल वाला बाय।